अपन तुम आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। जैसे हम आज यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है, तो किस चीज़ की शूटिंग चल रही है और क्या है? एक बॉलीवुड सॉन्ग है अंकित तिवारी का, नहीं मोहम्मद इरफान का, सॉरी मोहम्मद इरफान। ओके, आई हैव नो आईडिया। ओके, कौन से सॉन्ग होगा? वैलेंटाइन डे का लव सॉन्ग कहा जा रहा है, सैड लव सॉन्ग, तो किस तरह के सॉन्ग है और क्या एक लाइन आप बता सकते हैं कैसे सॉन्ग है? ये सैड लव सॉन्ग है और इसकी फर्स्ट लाइन है, तेरे हिस्से का हर दर्द हम हंस के सह लेंगे। तो आपके साथ रश्मि जी हैं, तो किस तरह से लग रहा है ये सॉन्ग की शूटिंग के बाद उनके साथ करते हुए? ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और इनके साथ काम करने में अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये और लोग इसको पसंद करेंगे। और इसमें आपका क्या कहना है सॉन्ग को लेकर? होप फॉर दी बेस्ट कि सब लोग इस सॉन्ग को पसंद करेंगे ऑफ कोर्स, और सबसे अच्छी बात कि मैंने काम किया है सॉन्ग में, तो हम घर घर तो जाना ही जाना है। तो अगर एल्बम सॉन्ग की बात की जाए, लव सॉन्ग की बात की जाए, तो वहाँ पे ड्रेसेस की भी बहुत एक्साइटेड ड्रेसेस होती है, तो किस किस तरह के ड्रेसेस करने वाले हैं? हम अभी शॉर्ट ड्रेसेस पे हैं, उसके बाद हम लॉन्ग गाउन पे आएंगे, एंड देन डेनिम जीन्स पे, जीन्सेस पे आएंगे, क्रॉप टॉप्स पे आएंगे, बट हाँ ड्रेसेस सारी वेराइटीज़ के हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस एल्बम सॉन्ग में कितने सॉन्ग हैं? एक सॉन्ग है अभी फ़िलहाल, तो एक सॉन्ग है। और क्या कहना चाहेंगे लोगों से वैलेंटाइन डे के लिए, उनके लिए एक सॉन्ग आप बना रहे हो? प्लीज़ ये सॉन्ग को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, देखिए, एंड मुझे उम्मीद है कि सबको बहुत 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 पसंद आने वाला है, एंड अपने प्यार को सुनाइए। जैसे रश्मि की बात की जाए तो रश्मि के बाद में, लेकिन रियल हीरो की बात करें तो कोई और है, तो वो कौन है? हम सब दर्शक भी उसको जानना चाहेंगे। मैं भी शेयर नहीं कर सकती। लेकिन क्या है कल का प्लान, क्या है कल वैलेंटाइन डे, तो रश्मि ने क्या कुछ प्लान किया है कल के लिए? मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने किया है। सरप्राइज है, सरप्राइज है। तो आपकी लाइफ में भी कोई रियल हीरोइन? मैं भी शेयर नहीं करना चाहता। बट है कोई? जी। तो क्या प्लान है कल उनके साथ? कल तो अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूं और अभी यहां आया हूं, कल तो शूट ही होगा, तो कहीं ना कहीं दूरियां सहनी पड़ेगी आपको। जी हां बिल्कुल। तो कल क्या होगा, आप सेट होने वाले? ये गाने सुना देंगे ना? मतलब नहीं, वीडियो दिखाएंगे तो उनके साथ आप खुश रह लेंगे कल? नहीं वो तो बहुत बहुत काम है, बहुत काम है, मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ कल।